अस्सलाम वालेकुम, कैसल का बैक टू अ ब्रांड न्यू लुक। आपको मेरे बैकग्राउंड व्यू से पता लग रहा होगा मैं सिर्फ कहाँ पे आया खड़ा हूँ। आया खड़ा हूँ मुल्तान के किले में, मैं दरबार पे आया खड़ा था। अभी दुआ मांगने के लिए आया हुआ था, मैं अंदर ही विजिट नहीं करवा सका आपको, इसलिए मैं बाहर से दोबारा ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि यार आज यहाँ पर हमारा रिजल्ट 9th का, पूरी 9th का रिजल्ट है आज, उस वजह से यार थोड़ी टेंशन रह खड़ी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो यार अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट की, किले के बाहर इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी है ना, इतनी गर्मी लग रही है। तो यार अभी मैं सारे दोस्त मेरे बैठे हैं स्कूल में, एक अपने दोस्त को लेके और मैं आया, उसे दो दिन जाने आया, बाकी सारे स्कूल में बैठे हमारे रिजल्ट का इंतजार करने के, इनके रिजल्ट को ऐसे आता है क्योंकि हमने दिखाना किसी को नहीं है। चलते हैं स्कूल आ जा। तो यार अभी बस टाइम नहीं है निकलने का, बस दो मतलब 10 मिनट रह गए हमारे रिजल्ट को आने के लिए, इसलिए हम फटाफट निकल रहे हैं स्कूल वापस। वहाँ स्कूल जाकर अपने रिजल्ट देखते हैं हमारा रिजल्ट कैसा आता है। चलो भाई चलते हैं, दुआ करना बाकी सारे। और आज के लोग आज के 6:06 पे रोड रहेगा भाई। आप फ्यू इंचेस लेट है जी। तो यार इस टाइम मैं भी आया था एटीएम में, जो आज का रिजल्ट जो आ गया ना दिखाऊंगा अभी नहीं, क्योंकि अभी एटीएम में खड़ा हूँ। अभी रिजल्ट मैंने अपना रिजल्ट देख लिया, रिजल्ट देख मुझे पोतू बना रहा है खेगड़िया। तो यार अभी मैंने रिजल्ट अपना देख लिया और मुझे ना एक सब्जेक्ट में बड़ी खुशी हो रही है, मुझे एक सब्जेक्ट में बड़ी खुशी हो रही है, जिस सब्जेक्ट में निकल चुका हूँ। जी तो कैसे आप सब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे। पता है यार आपको, ये मैं ब्लॉग कितने दिन बाद बना रहा हूँ ये मैं ब्लॉग बना रहा हूँ जुमा आज हफ्ता है, मतलब के पूरे एक हफ्ते बाद मैं अपना रिजल्ट का अनाउंस करूँगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे भाई एक भाई कमेंट आया था कि भाई आपका रिजल्ट तो आ गया, आपने रिवील नहीं किया। मैं उसको उनको मैंने मैसेज किया था, मैंने कहा था भाई मैं आपको इंशाल्लाह जल्द अज जल्द रिजल्ट मैं रिवील कर दूँगा, और आज उसी ब्लॉग के बारे में कंटेंट लाया हूँ, तो आज रिजल्ट रिवील कर दूंगा मैं। ऐसे वैसे की बात नहीं, वाजे मैं छुपाता नहीं हूँ इससे। झूठा, मेरा नाम देख लेना, ऊपर नाम लिखा होगा, मेरा नंबर देख लेना, अभी नहीं दिखाऊंगा। आप कह रहे हो यहाँ पर निकाल दो, यहाँ लगा देगा आप बना, ये मैं भाई आपको रिजल्ट रिवील करूंगा। इस टाइम इतना मजेदार मौसम हो रहा है ना, क्या बताऊँ भाई मैं आपको, दिखाऊँ मौसम दिखाऊँ, ये देखो हाय हाय हाय, पूरा धमाकेदार मौसम हो रहा है इस टाइम, और इस टाइम हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, किरमिन हो रही है इस टाइम, इसलिए मैं ब्लॉग मैं अगर यार मौसम भी दिखाता हूँ आपको, इंजॉयमेंट भी करवाता हूँ, उसके बाद फिर ब्लॉग भी बनाते हैं, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं जो आगे मैं उसके बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। जो मैंने पीछे क्लिप दिखा रहे हैं ना, क्लिप जो मैंने स्टार्ट किया था दरबार के बाद, जो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था वो क्लिप के बाद आज एक हफ्ते के बाद ब्लॉग बना, मेरा मोबाइल बीच में ख़राब हो गया था, मैंने घंटे में आपको मैसेज किया था, तो इसलिए मैंने ब्लॉग भी बनाया नहीं, अब मैं आके ब्लॉग बना रहा हूँ। यार मौसम बड़ा कमाल है खड़ा इस टाइम, तो मैं अभी भाई नीचे अभी हम गए हुए थे दोबारा दरबार पे, मैं अगर चला चलते हैं ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, मुझे याद आया कि मेरा ब्लॉग तो स्टार्ट है, मैंने बस उसमें रिजल्ट रिवील नहीं किया अपना, आज इंशाल्लाह रिजल्ट रिवील कर दूंगा। अबे जल्दी बोल, एक बात और करना भूल गया आपसे, बोलो क्या बात है। तो बारिश तेज हो गई, तो बताने एक चीज़ ये थी कि मेरी आँख मच बेटर, मतलब मेरी आँख में कुछ इस तरीके से वजह से मैंने ऐनक उतार दिए, नीचे रख दिए ऐनक, उसके बाद मैंने ऐनक मतलब 3-4 दिन मेरी आँख माशाल्लाह परफेक्ट थी, बारिश तेज हो गई, नहीं चलते फटाफट। साहब शेख साहब, शेख साहब नाराज ही वे की डेंदे बदे हो, लाइट बंद कर आसमान, अरे ओए दिमाग आ रहा है मेरा, क्यों ये बदतमीजी बुतर है यार, इसको समझ ऐना बंदो मत, तुम लाइट बंद कर, पता की गुस्सा है ये, इसको गुस्सा चढ़ा हुआ है क्योंकि राम ने लाइट बंद करना समझ आ रही है। मैं के को मैं ना फोड़ के मेरे साथ निकलो, तुम्हारे यहाँ चिल्ला सी अतावल इज वेरी एंग्री, समझ आ रही है ना आपको, और निकल यहाँ से।
ओए बात समझ ना कर छोटा छोटा बन गया चैनल जाने कर यार मैंने रिजल्ट बताते हैं इसको कुछ शांत कर शेख साहब मोबाइल चाहिए शेख साहब टके का मोबाइल निकल यहाँ से अरे क्या चला रहा तू तो यार अभी रिजल्ट देख लो सर मोबाइल जो प्लान बनाया था मैं उसका कम से कम 10 से 15 मिनट का व्लॉग बनाना बनाना था मैंने एक तो मेरा सारे नौस्ती हैं ये व्लॉग बनाने जाने इतना ले गएंगे सुनता मैं मुझे इतना चांद आएगी रात के मोबाइल अर्शन नदीम को देखता रहा तू भी कुछ पढ़ ले दूसरों को देख देख कर पार हो गया तो यार जरा देख लो आपको टेंशन नहीं है 514 में भी चेकिंग शॉट हो रहा है काले कोले के कितने हैं कितने यार ये पागल है छोड़ इसकी बात से जरा कोई से किसका कह रहा है नहीं 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 कि चांस ले लेगा असल है किसका कह रहा है इस टाइम इसका गुस्सा है सुनो तो यहां समझ आ रहा हूं बोल भी जल्दी एंग्री तो यार देख लो रिजल्ट आप ये जो बोल रहा है इसकी बात से ऐसा लेना बच्चा है कोई बड़ा होएगा बात तब समझ आ जाए इसको ठीक साला मैं खुदा को बताऊंगा यार शो करते हैं बट अगर लोग अच्छा लगा लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें बेल आइकन को दबाएं और क्या कहना था क्या कहना और सब्सक्राइब कर दें आप बस नहीं करें आने सब्सक्राइब कर दें तो यार बच्चा है छोड़ इसके बाद तो बुरा ना मानना बच्चे एटीट्यूड देखो बच्चा तो मेरे दा मुंडा शर्ट तक ले अल्लाह हाफिज़ शेख साहब अल्लाह हाफिज़